इस कहानी में हमने अब तक देखा कि नवीन जी की बातें सुनकर सबको महागुरु की बातें याद आती हैं। जब सिया जी और दिया दोनों ही प्रेग्नेंट थी तब वो दोनों शिव मंदिर में आने वाले बच्चे के लिए पूजा करने चली गई थी। तब वहां पर महागुरु भी आए थे, जो कि साल में एक बार ही महादेव शिव के उस मंदिर में आते थे। उनने ही इन दोनों बच्चे के जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, दोनों एक दूसरे के हमसफर है। और उनकी बातें सुनकर सिया, नवीन, दिया और कबीर चारों के चेहरे पर न बयां करने वाली खुशी थी। आखिर उनकी इतने सालों पुरानी दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। और एक बात वो ये भी जानते थे कि आज तक महागुरु के मुंह से निकली कोई भी बात झूठी साबित नहीं हुई थी, उनके मुंह से निकल एक एक शब्द सही हुआ था। वही सिंघानिया मेंशन का माहौल इस वक्त बेहद ही तनावपूर्ण था। सिंघानिया मेंशन के स्टडी रूम में इस वक्त 5 लोग बैठे हुए थे, जो कि किसी गहरे विषय में चर्चा कर रहे थे और कोई प्लान बना रहे थे, जो कि आने वाले समय में बेहद ही खतरनाक साबित होने वाला था। अब आगे सिंघानिया महल में इस वक्त 5 लोग स्टडी रूम में बैठे कर किसी सीरियस विषय पर बात कर रहे थे। इस रूम का तापमान बेहद ही तनावपूर्ण था। इस वक्त स्टडी रूम में 3 आदमी और 2 औरतें बैठी थी और उन सभी के चेहरे सीरियस थे, जैसे वो बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन दो औरतों में से एक औरत कहती है, भाई साहिब, अब तो कबीर और दिया ने एक बेटे को जन्म भी दे दिया है, जो कि अब 2 महीने का हो गया है। दोनों ही इस वक्त अपने बच्चे के साथ अपने उस दोस्त नवीन आहूजा के घर पर है, जहाँ पर हम में से कोई भी नहीं जा सकता है। उसके मेंशन के सिक्योरिटी बेहद टाइट है और ऊपर से कबीर और दिया ने तो हमसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया है, अब हम क्या करेंगे। उसकी बात उस रूम में मौजूद सभी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उसकी बात पर वो आदमी कहता है, नलिनी, अब तुम सबको उन दोनों से क्यों मिलना है, जब वो दोनों ये पर थे तब तो तुम लोगों ने उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया। मैंने तुम सबको और खासकर तुम दोनों को साफ आगाह किया था कि कुछ हुई ऐसा काम न करना जिससे मैं बना बनाया प्लान खराब ना हो, पर तुम दोनों के मोटी बुंदी में ये बात कहाँ घुसती है, अब सारा प्लान को चौपट कर दिया। ये सब वो बेहद ही गुस्से में के रहा था। उसका गुस्सा देख वो दोनों औरतें डर से कांपने लगी थी। वही बाकी दो लोगों का भी यही हाल था। उनमें से एक आदमी उसको शांत करते हुए कहता है, भाई, अब को होना था हो तो हो गया है, अब आगे क्या करना है। आप तो जानते हो ना, पिताजी ने मरते टाइम ये सारी जायदाद उस कबीर के पहली संतान के नाम कर दी है, जो कि उसके 22 वर्ष के होने के बाद उसको मिलने वाली थी। और अगर उससे पहले उसको कुछ हुआ तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हमको कुछ तो करना होगा भाई, हम इसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। उसकी बात पर हाँ मैं हाँ मिलते हुए दूसरा आदमी कहता है, हाँ भाई राज ठीक कह रहा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब रास्ते पर आ जाएंगे, अब आप ही है को कुछ कर सकते हैं। कबीर और दिया आपको बेहद मानते हैं, वो आपकी बात कभी खाली नहीं जाने देंगे, कैसे भी करके उन दोनों को और खासकर उनके उस बच्चे को सिंघानिया मेंशन में लाना होगा। उसके 22 साल के होने तक हम सबको उसके साथ अच्छे बनने का नाटक करना होगा। बस एक बार हमारे हाथ में सारी प्रॉपर्टी आ जाए, उसके बाद उन तीनों को अपने रास्ते से हटा देंगे। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी डेविल स्माइल करने लगते हैं। इस वक्त वो 5 जन किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। उसकी बातें सुनकर भाई यानी कि तेजवीर सिंघानिया उन 5ों की तरफ देखकर एक जहरीली मुस्कान देता है और कहता है, नील, तुम सही कह रहे हो, ऐसे ही कैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम हाथ से जाने देंगे, बस तुम दोनों ही अपनी अपनी वाली को अच्छे से समझाओ, इस बार उन लोगों ने कोई भी गलती नहीं होने चाहिए, नहीं तो इस बार उनको कोई सजा नहीं मिली पर अगली बार गलती पर सजा मिलेगी, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं। उसने बस इतना ही कहा था कि राज और मिल के साथ उनकी पत्नियां यानी कि नलिनी और मीनाक्षी के अंदर एक अनजाने डर ने घर कर लिया था, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि तेजवीर सिंघानिया की सजा कैसे होती थी और उन दोनों में से कोई भी उस सजा को पाना नहीं चाहता था। नलिनी और मीनाक्षी दोनों ही अपने डर पर काबू करके तेजवीर सिंघानिया की तरफ देखकर कहते हैं, भाई साहब, इस बार
आप निश्चिंत रहिए, इस बार हम दोनों ही कोई गलती नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर तेजवीर सिंघानिया कहता है, यही तुम दोनों के लिए अच्छा है। तेजवीर सिंघानिया उन चारों के साथ मिलकर आगे क्या करना है उस पर चर्चा करने लगता है। दूसरी तरफ सियाजी और छोटी सी प्रिंसेस अयाना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और अब सभी आहूजा मेंशन की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। कबीर दिया और अयान सभी आहूजा मेंशन में ही सिया नवीन और अयाना आहूजा के साथ रह रहे थे। उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि एक हस्ती खेलती फैमिली है और ऐसा था भी। इसे ही उन सबको साथ में रहते रहते कब 5 साल हो गए पता ही नहीं चला। इस बीच में तेजवीर सिंघानिया और उसके साथ ही नील और राज तीनों ने मिलकर अपने छोटे भाई कबीर सिंघानिया को वापस सिंघानिया मेंशन में लाने के लिए अथक प्रयास किया, पर सब विफल हो गए थे, जिससे तेजवीर सिंघानिया बेहद ही गुस्से में था। वो अपने भाई कबीर और उसकी वाइफ को चोट पहुंचन नहीं चाहता था। जब तक की प्रॉपर्टी उसको न मिले पर कुछ भी उसके मन मुताबिक या यूं कहे कि प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा था, इसलिए अब उसने बेहद ही खतरनाक प्लान बनाया था जो कि कबीर और दिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला था और न जाने उन दोनों के साथ और किस किस की जिंदगी बदलने वाली थी। अयान 5 साल का हो गया था। वो 5 साल के उम्र में ही बेहद इंटेलिजेंट था। अयान अयाना को लेकर बेहद पजेसिव था। वो अयाना के पास अपनी फैमिली के बगैर किसी को भी बर्दाश्त और नहीं कर पाता था। अयान था तो सिर्फ 5 साल का बच्चा, पर उसने अपनी इतनी से उम्र में जी एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसके बारे में उसके और अयाना के अलावा किसी को भी पता नहीं था और न ही उस कंपनी में काम करने वाले किसी वकर पता था कि उनका बॉस एक 5 साल जा बच्चा है। अयान कंपनी के सारे काम घर से ही करता था और अगर कोई जरूरी काम हो तो वो अपने असिस्टेंट के थ्रू करता था। अयान के असिस्टेंट को भी अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं पता था। वही हमारी छोटी सी अयाना जो कि अब कुछ ही दिनों में 5 साल की होने वाली थी, वो बेहद जी नटखट थी। ये भी अपने अयान के लिए बेहद पजेसिव थी। अयान का गुस्सा अगर कोई शांत करवा सकता था तो वो सिर्फ अयाना थी, और अयान किसी के सामने मुस्कुराता था तो वो सिर्फ उसकी प्रिंसेस अयाना के सामने। वही उनके पेरेंट्स उन दोनों की आपस की बॉन्डिंग देखकर खुश थे। उन चारों को ही पता था उनके बेहद सारे दुश्मन थे, उनको कब क्या हो हाय किसी को पता नहीं था। इसलिए उन चारों ने ही अपने दो बच्चों को अभी से ही बेहद कुछ सीखना शुरू किया था। वही आप सबको बता दूं कि नवीन आहूजा और कबीर सिंघानिया बिजनेसमैन तो थे ही, पर उन दोनों की एक अलग ही पहचान थी। वो दोनों ही एक रॉ एजेंट थे जो कि दुश्मनों के नजरों में आए बगैर अपने देश को दुश्मनों से बचाते थे। आहूजा मेंशन के गार्डन में इस वक्त अयान और अयान खेल रहे थे। अयाना अपने हाथ में अपनी प्यारी सी डॉल लिए बेहद ही खूबसूरत घुटनों तक आती फ्रॉक पहनकर गार्डन में लगे झूले पर बैठी थी। उसके लंबे कमर तक आते बाल खुले छोड़ थे, गहरी काली आंखें, लंबे लंबे पलके, गुलाबी लिप्स, चबी चबी चीक्स, वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अयाना अपने सामने खड़े अयान को झूले पर बैठकर अलग अलग पोज दे रही थी। वही अयान महाशय उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे थे जो कि उनको उनके बर्थडे पर उनके पापा ने गिफ्ट किया था। अयाना अयान से अपनी प्यारी आवाज में कहती है, आयू बेबी मेरी सारी फोटो अच्छी आनी चाहिए। आपको पता है स्कूल मैं न वो माहिरा मुझे अपने फोटो दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी। आप मेरी सारी अच्छी अच्छी वाली फोटो खींचना तब मैं भी उसको अपनी प्यारी सी फोटो दिखा कर चिढ़ाऊंगी। ऐसी ही न जाने क्या क्या बातें अयाना कर रही थी और अयान चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। अयान कभी झूले पर अपनी डॉल के साथ तस्वीर खींचवाती तो कई गार्डन में मौजूद फूलों के पेड़ के साथ। ऐसी ही न जाने उसने कितनी अपनी तस्वीर अयान से खींचवाई थी और अयान भी बिना ना नुकुर किए हंसते हुए उसकी तस्वीर क्लिक कर रहा था। जब अयान थक जाती है तो वो अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु बेबी आपकी प्रिंसेस थक गई है, अब बस हो गया है। अब हम कल और भी बेहद सारी तस्वीर आपके इस न्यू कैमरे में खींचवाएंगे। अब बस अब ना मुझे बेहद तेज भूख लगी है तो चलो पहले कुछ खाते हैं।
इतना कहकर वो बिना अयान को बोलने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ मेंशन के अंदर लेकर जाती है। वही अयान भी अपना सर ना मैं हिलाकर जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता और अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए अपनी जान के साथ अंदर चला जाता है। दोनों ही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अयान अपने हाथों से अयाना को खाना खिला रहा था और हमारी प्यारी सी अयाना उसके हाथ से मजे से खा रही थी और दुनिया जहां की बातें कर रही थी। अयान कभी उसको खाना खिलाता तो कभी वो खुद खाता। ऐसे ही करते करते दोनों का खाना फिनिश हो जाता है। उसके बाद दोनों ही अयाना के रूम में चले जाते हैं। जगह अयाना अपने आईपैड में कार्टून देखने लग जाती है और हमारा अयान वही अयाना के पास ही अपना लैपटॉप ओपन करके उसमें अपने ऑफिस का काम करने लगता है। वैसे फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, अयान को अपने पिछले जन्म के बारे में सब पता था पर अयाना को कुछ भी पता नहीं था। अभी सही समय नहीं आया था कि उसको अपने रिबर्थ के बारे में पता लगे। सही समय आने और उसको भी अपने रिबर्थ के बारे में पता चल जाएगा। अयाना आज पूरे 5 साल की होने वाली थी और इसी खुशी में नवीन आहूजा ने आहूजा मेंशन में एक बेहद बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें देश के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इन्वाइटेड थे। अपनी बेटी अयाना आहूजा के 5 साल के होने की किसी में ये पार्टी थी और उसी के साथ आहूजा और सिंघानिया इंडस्ट्री को एक बेहद बड़ी डील मिल गई थी। इस डील के कारण आहूजा और सिंघानिया कॉरपोरेशन एशिया में नंबर 1 पोजीशन पर आने वाला था। आहूजा मेंशन आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। महल में मेहमानों की चहल पहल थी। नवीन और कबीर दोनों ही मेहमानों के आवभगत में व्यस्त थे। वही हमारी अयाना जिसका आज बर्थडे था वो आज किसी आसमान से उतरी हुई पारी से कम नहीं लग रही थी। अयाना इस वक्त अपने रूम में अपने अयान के साथ थी। आज अयान ने खुद अपनी डॉल को रेडी किया था। अयाना ने बेहद ही खूबसूरत प्रिंसेस पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आज अयाना का हल्का सा मेकअप किया गया था जिसमें उसके निखार में 4 चांद लगा दी थी। वही हंसते अयाना ने आज ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना था जिसमें वो बेहद ही हैंडसम और क्यूट लग रहा था। अयाना अपने रूम में बोर हो गई थी और वो कब से अयान से नीचे चलने को कह रही थी पर अयान उसको कुछ न कुछ कह कर मना कर रहा था जिस वजह से अयाना उससे रूट कर बैठ गई थी। अयाना अपने रूम में बेड पर बैठकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा लेकर अयान को घूर रही थी। अयान जब उसको वैसा करते हुए देखता है तो वो अपना सर ना मैं हिलाता है और खुद अपनी जगह से उठकर अयाना के सामने जाकर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता है तो अयाना उसको अपनी तरफ देखता देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देती है। उसको ऐसा करते देखकर अयान के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है पर वो जल्दी ही उसको बड़ी आसानी से छुपा देता है और अयाना से कहता है, डॉल ये क्या बात हुई, आप तो थोड़ी देर पहले के रही थी कि मैं अब बच्ची थोड़ी ही हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हो और अब देखो कैसे मुंह फुलाकर बैठ गई हो। अयाना अयान की बात सुनकर उसके तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बिग गर्ल हूँ और रही बात मेरे गुस्सा होने की तो उसकी वजह आप हो, आपको पता है ना आज मेरा बर्थडे है और डैड ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है और मेरे सारे फ्रेंड्स भी आए हैं और आप मुझे नीचे जाने ही नहीं दे रहे हो। कितनी देर से मैं ये पर रेडी होकर बैठी हूँ, मुझे नीचे जाना है अभी। अयाना की बात सुनकर अयान उसकी तरफ देखकर कहता है, तो मैंने आपको नीचे जाने से का रोका है, पार्टी आपके लिए ही रखी है और आप आज की इस पार्टी के स्टार है तो आपकी एंट्री भी कुछ खास ही होगी ना, तो बस आप थोड़ा वेट करो उसके बाद हम नीचे चलेंगे। अयाना ने अयान की बात सुनकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रूम का डोर कोई खटखटता है जिसे सुनकर अयान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और डोर पर कौन है देखने के लिए डोर की तरफ बढ़ता है। वही दूसरी तरफ तेजवीर सिंघानिया और उसके 2 भाई यानी कि मिल और तक सिंघानिया दोनों ही अपने प्लान के साथ रेडी थे। आज उनने बेहद ही खतरनाक प्लान बनाया था जिसके प्यार होने के बाद उन तीनों को जो चाहिए था वो
मिलने वाला था उन तीनों की तरफ से तो उनका प्लान 100% फुल प्रूफ था, पर वो प्लान कामयाब होता है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताने वाला था। इस वक्त सिंघनिया विला में अपने कमरे में तेजवीर सिंघानिया आज की पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। आज तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक थी। कुछ ही समय में तेजवीर सिंघानिया तैयार होकर हॉल में आ जाता है, जहां पर उसके दो भाई और उनकी पत्नियां सज धज कर तैयार थी। उन चारों के चेहरे पर भी अलग ही तरह की चमक थी और होठों पर मक्कारी बारी मुस्कान। उन पांचों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पांचों ही आज एक बेहद बड़े साजिश को अंजाम देने वाले थे। अपने बड़े भाई को देखकर वो चारों अपनी जगह से खड़े होते हैं। तेजवीर उन सबके बीच आकर किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और अपने एक हाथ के इशारे से उन चारों को बैठने का इशारा करता है और फिर नील सिंघानिया की तरफ देखकर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, सब तैयारी हो गई है न, आज मुझे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए, नहीं तो इस बार अगर प्लान फेल हुआ तो सजा भी डबल होगी। तेजवीर सिंघानिया की बातें सुनकर नील के साथ बाकी तीन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीनों ही सजा की बात सुनकर एक पल के लिए तो देर ही गए थे, पर एक ही पल उन चारों के चेहरे पर मक्कारी बारी मुस्कान आ जाती है। नील अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, भाई इस बार कोई गलती नहीं होगी, सब अपने प्लान के मुताबिक होगा, इस बार जीत हमारी ही होगी। नील सिंघानिया की बात सुनकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आहूजा मैंशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नवीन आहूजा सबसे पहले आप सबका आज की इस पार्टी में वेलकम करता हूँ। आप सबको तो पता ही है आज के इस पार्टी का मैं रीजन, वैसे रीजन एक नहीं दो है पहिया। तो आज मेरी बेटी, मेरी छोटी सी प्रिंसेस पूरे 5 साल की हो गई है, और दूसरा रीजन आहूजा एंड सिंघानिया कॉरपोरेशन को मिली डील, जिसके प्यार होते जी आहूजा एंड सिंघानिया कॉरपोरेशन एशिया में नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगी। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले हम प्रिंसेस का बर्थडे केक कट करते हैं और आज की इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं। इतना कहकर नवीन जी माइक पार्टी होस्ट को देते हैं। वही स्टेज की दूसरी तरफ दिया सिंघानिया और दिया आहूजा दोनों ही अपने साथ बेहद ब्यूटीफुल प्रिंसेस केक लेकर स्टेज की तरफ आते हैं। वही होस्ट के अनाउंसमेंट के साथ हॉल की सारी लाइट डिम हो जाती है और एक फोकस लाइट सीडिया पर पड़ती है, जिसमें हमारे अयान और अयान खड़े थे। दोनों ही साथ में बेहद प्यार लग रहे थे, दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामकर सीडियो से उतर रहे थे। अनाया और अयान अपने मॉम डैड के पास स्टेज पर आते हैं। उसके बाद केक कटिंग और सभी छोटी सी अयाना को बर्थडे विश और ब्लेसिंग देते हैं। अयान का बर्थडे केक कट होने के बाद अयान और अयान बच्चा पार्टी के साथ उनके लिए जो पार्टी आरंभ की थी इस तरफ चले जाते हैं, और नवीन जी, कबीर जी और उनकी पत्नियां दिया की ओर दिया जी मेहमानों में बिजी हो जाते हैं। वही दूरी तरफ मेहमानों के बीच पार्टी में खुद को इग्नोर होता महसूस करके तेजवीर सिंघानिया का चेहरा गुस्से के कारण लाला हो गया था। वो कब से अपने छोटे भाई यानी कि कबीर सिंघानिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई ना कोई बीच में आ जाता था। तेजवीर सिंघानिया का गुस्सा तो बेहद आ रहा था, पर आज का उसका प्लान खराब न हो इसलिए वो चुप बैठा था। उसी के साथ उसके दो भाई भी बैठे थे और उनके पास ही उनकी पत्नियां भी। तेजवीर अपने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहता है, नील अब बस हो गया, कबीर तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है, इसको जमीन पर लाना होगा। राका को बोलो पार्टी खत्म होने के तुरंत बाद अपने प्लान को अंजाम दो और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ उससे पहले वो कबीर के बेटे को किडनैप करो, और हाँ उसको एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। 22 साल के होने तक उसका जिंदा रहना बेहद जरूरी है। अपने भाई की बात सुनकर नील अपना सर हां में हिलाकर राज के साथ वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद तेजवीर सिंघानिया पार्टी में आए बिजनेसमैन से बातें करने में लगता है। वही मीनाक्षी और नलिनी दोनों ही पार्टी में आई हुई अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगती है। तभी उन दोनों
की नजर दिया सिंघानिया पर जाती है, उसको देखकर उन दोनों के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। वही दिया सिंघानिया के गले में पहने ही नकलेश को देखकर तो नलिनी जल बन गई थी। वो अपने पास खड़ी मिंक्षी का हाथ पकड़कर कहती है, मीनाक्षी देखो उस दिया ने वही हार पहना है ना जो तुम्हें पसंद आया था। ये सिंगल पीस है ना जो तुम्हारे लेने से पहले ही कोई ले गया था, और देखो अब वो उस बीच दिया के गले में है। नलिनी की बात सुनकर मीनाक्षी का ध्यान दिया के गले में पहने हुए हार पर चला जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और आंखों में एक अजीब सी नफरत और किलिंग इंटेंटे दिखाई देने लगता है, जो कि वो जल्द ही किसी के नजर में आए बिना बड़े ही आसानी से छुपा लेती है। और वो अपने आप से कहती है, दिया सिंघानिया हर बार जो चीज मुझको पसंद आती है वो तुम मुझसे छीन लेती हो, पहले कबीर और अब ये हार। वही मीनाक्षी को ऐसे अपने आप में हो गुम देखकर नलिनी उसको हिलाते हुए कहती है, मीनाक्षी कहाँ खो गई, मैं तुमसे कुछ कह रही थी। वही नलिनी के हिलाने से मीनाक्षी होश में आती है और अपने सामने थोड़ी ही दूर पर खड़ी दिया की तरफ स्ट्रेंज स्माइल के साथ देखते हुए नलिनी से कहती है, वैसे कहा जाए नलिनी तो दिया के गले में वो हार काफी जच रहा है। मीनाक्षी की बात सुनकर नलिनी उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो मीनाक्षी, तुम होश में तो हो ना, तुम अपने दुश्मन की तारीफ कर रही हो और वो कोई मामूली हार नहीं है, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। नलिनी की बात सुनकर मीनाक्षी दिया से अपनी नजरें हटाकर नलिनी की तरफ करते हुए उससे धीमी आवाज में कहती है, हाँ मैं होश में ही हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, वैसे तुम इतना हाई पर क्यों हो रही हो, रिलैक्स, वो हार जल्द ही हमारे पास होगा। इतना रहकर वो नलिनी को एक डेविल स्माइल पास करती है, जिसे देखकर नलिनी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है और वो मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहती है, मीनाक्षी मैं जो सोच रही हूँ वो तो तुम नहीं करने वाली है ना। इतना कहकर नलिनी मीनाक्षी की तरफ अपनी चमकती आंखों के साथ देखती है, जिस पर मीनाक्षी बस मुस्कुरा देती है और उसके उस मुस्कुराहट का मतलब नलिनी अच्छी तरह से जानती थी। नलिनी अपने से कुछ दूरी पर खड़ी हुई मेहमानों से हंसते मुस्कुराते बातें करती हुई दिया की तरफ देखते हुए कहती है, दिया मुस्कुरा और जितना तुमको मुस्कुराना है, जल्द ही तुम खून के आंसू रोने वाली हो। नलिनी आंखों में इस वक्त दिया सिंघानिया के लिए एक अजीब सा ही गुस्सा और नफरत थी, और साथ में दिया को जान से मारने की सनक जो आगे जाकर क्या रंग लाने वाली थी वो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। आहूजा मेंशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं नवीन आहूजा सबसे पहले आप सबका आज की इस पार्टी में वेलकम करता हूँ। आप सबको तो पता ही है आज के इस पार्टी का मैं रीजन, वैसे रीजन एक नहीं दो है पहिया। तो आज मेरी बेटी, मेरी छोटी सी प्रिंसेस पूरे 5 साल की हो गई है, और दूसरा रीजन आहूजा एंड सिंघानिया कॉरपोरेशन को मिली डील, जिसके प्यार होते जी आहूजा एंड सिंघानिया कॉरपोरेशन एशिया में नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगी। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले हम प्रिंसेस का बर्थडे केक कट करते हैं और आज की इस पार्टी को स्टार्ट करते हैं। इतना कहकर नवीन जी माइक पार्टी होस्ट को देते हैं। वही स्टेज की दूसरी तरफ दिया सिंघानिया और दिया आहूजा दोनों ही अपने साथ बेहद ब्यूटीफुल प्रिंसेस केक लेकर स्टेज की तरफ आते हैं। वही होस्ट के अनाउंसमेंट के साथ हॉल की सारी लाइट डिम हो जाती है और एक फोकस लाइट सीडिया पर पड़ती है, जिसमें हमारे अयान और अयान खड़े थे। दोनों ही साथ में बेहद प्यार लग रहे थे, दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। अनाया और अयान अपने मॉम डैड के पास स्टेज पर आते हैं, उसके बाद केक कटिंग और सभी छोटी सी अयाना को बर्थडे विश और ब्लेसिंग देते हैं। अयान का बर्थडे केक कट होने के बाद अयान और अयान बच्चा पार्टी के साथ उनके लिए जो पार्टी आरंभ की थी इस तरफ चले जाते हैं, और नवीन जी, कबीर जी और उनकी पत्नियां दिया की और दिया जी मेहमानों में बिजी हो जाते हैं। वही दूरी तरफ मेहमानों के बीच पार्टी में खुद को इग्नोर होता महसूस करके तेजवीर सिंघानिया का चेहरा
गुस्से के कारण लाला हो गया था, वो कब से अपने छोटे भाई यानी कि कबीर सिंघानिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई ना कोई बीच में आ जाता था। तेजवीर सिंघानिया का गुस्सा तो बेहद आ रहा था, पर आज का उसका प्लान खराब न हो इसलिए वो चुप बैठा था। उसी के साथ उसके दो भाई भी बैठे थे और उनके पास ही उनकी पत्नियां भी। तेजवीर अपने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहता है, नील अब बस हो गया, कबीर तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है, इसको जमीन पर लाना होगा। राका को बोलो पार्टी खत्म होने के तुरंत बाद अपने प्लान को अंजाम दो और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उससे पहले वो कबीर के बेटे को किडनैप करो और हाँ, उसको एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। 22 साल के होने तक उसका जिंदा रहना बेहद जरूरी है। अपने भाई की बात सुनकर नील अपना सर हाँ में हिलाकर राज के साथ वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद तेजवीर सिंघानिया पार्टी में आए बिजनेसमैन से बातें करने में लगता है। वही मीनाक्षी और नलिनी दोनों ही पार्टी में आई हुई अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगती है। तभी उन दोनों की नजर दिया सिंघानिया पर जाती है। उसको देखकर उन दोनों के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। वही दिया सिंघानिया के गले में पहने ही नकलेश को देखकर तो नलिनी जल बन गई थी। वो अपने पास खड़ी मीनाक्षी का हाथ पकड़ कर कहती है, मीनाक्षी देखो उस दिया ने वही हार पहना है ना जो तुम्हें पसंद आया था। ये सिंगल पीस है ना जो तुम्हारे लेने से पहले ही कोई ले गया था, और देखो अब वो उस बीच दिया के गले में है। नलिनी की बात सुनकर मीनाक्षी का ध्यान दिया के गले में पहने हुए हार पर चला जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और आंखों में एक अजीब सी नफरत और किलिंग इंटेंट दिखाई देने लगता है, जो कि वो जल्द ही किसी के नजर में आए बिना बड़े ही आसानी से छुपा लेती है। और वो अपने आप से कहती है, दिया सिंघानिया हर बार जो चीज मुझको पसंद आती है वो तुम मुझसे छीन लेती हो, पहले कबीर और अब ये हार। वही मीनाक्षी को ऐसे अपने आप में हो गुम देखकर नलिनी उसको हिलाते हुए कहती है, मीनाक्षी कहाँ खो गई, मैं तुमसे कुछ कह रही थी। वही नलिनी के हिलाने से मीनाक्षी होश में आती है और अपने सामने थोड़ी ही दूर पर खड़ी दिया की तरफ स्ट्रेंज स्माइल के साथ देखते हुए नलिनी से कहती है, वैसे कहा जाए नलिनी तो दिया के गले में वो हार काफी जच रहा है। मीनाक्षी की बात सुनकर नलिनी उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो मीनाक्षी, तुम होश में तो हो ना, तुम अपने दुश्मन की तारीफ कर रही हो और वो कोई मामूली हार नहीं है, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। नलिनी की बात सुनकर मीनाक्षी दिया से अपनी नजरें हटाकर नलिनी की तरफ करते हुए उससे धीमी आवाज में कहती है, हाँ मैं होश में ही हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, वैसे तुम इतना हाई पर क्यों हो रही हो, रिलैक्स, वो हार जल्द ही हमारे पास होगा। इतना रहकर वो नलिनी को एक डेविल स्माइल पास करती है, जिसे देखकर नलिनी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है और वो मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहती है, मीनाक्षी मैं जो सोच रही हूँ वो तो तुम नहीं करने वाली है ना। इतना कहकर नलिनी मीनाक्षी की तरफ अपनी चमकती आंखों के साथ देखती है, जिस पर मीनाक्षी बस मुस्कुरा देती है और उसके उस मुस्कुराहट का मतलब नलिनी अच्छी तरह से जानती थी। नलिनी अपने से कुछ दूरी पर खड़ी हुई मेहमानों से हंसते मुस्कुराते बातें करती हुई दिया की तरफ देखते हुए कहती है, दिया मुस्कुरा, और जितना तुमको मुस्कुराना है जल्द ही तुम खून के आंसू रोने वाली हो। नलिनी आंखों में इस वक्त दिया सिंघानिया के लिए एक अजीब सा ही गुस्सा और नफरत थी, और साथ में दिया को जान से मारने की सनक जो आगे जाकर क्या रंग लाने वाली थी वो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। अयाना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वही अयान अयाना के पास बैठकर मोबाइल में अपना काम कर रहा था और वक्त वक्त पर अयाना को कुछ न कुछ खिला रहा था। इसे ही धीरे धीरे अयाना की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। रात के 11 बजे अयान अयाना को उसके रूम में सुला कर अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। खुद का बहम समझ कर वो अपने रूम की
तरफ बढ़ता है, तभी उसे हॉल में किसी चीज के टकराने की आवाज आती है, जिस सुनकर अयान अलर्ट हो जाता है और अपने कदम हॉल की तरफ बढ़ता है। नीचे हॉल में पार्टी में आए हुए सभी मेहमान जा चुके थे। हॉल में इस वक्त सिर्फ अयान के मॉम डैड और अयान के मॉम डैड थे। चारों ही काफी थक चुके थे। चारों अपने रूम की तरफ जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी हॉल में अचानक व्हाइट गैस फैलने लगती है। उन चारों के कुछ समझ में आने से पहले ही चारों वो गैस इन्हेल कर लेते हैं, जिस वजह से चारों ही बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। उन चारों के बेहोश होते ही हॉल में छुपकर बैठे हुए फाइव लोग बाहर आते हैं। उन पांचों के चेहरे पर काला मास्क लगा हुआ था, जिससे उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। उन पांचों के हॉल में आते ही हॉल में फैला हुआ व्हाइट गैस धीरे धीरे काम होने लगता है। वो पांच जन उन चार बेहोश लोगों के सामने खड़े होते हैं और अपने सामने पड़ी बेहोश चार लोगों को अपनी कोल्ड नजरों एकटक देख रहे थे। तभी उनमें से एक उन चारों से कहता है, इनको चेयर पर बिठाओ और इनके हाथ पैर बांधो और एक जन बाहर जाकर देखो राका ने गार्ड को संभाला है या नहीं, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक जन सारे नौकरों को एक रूम में बंद करो, वैसे भी सब इस स्मोकिंग गैस से बेहोश ही हो गए होंगे, फिर भी मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। उस इंसान का इतना ही कहना ही था कि उसके साथ आए हुए चार लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वही ऊपर अयान जो हाल में आ रहा था कि उसे फर्ज अपने पीछे किसी के होने का एहसास हो जाता है और वो एकदम अलर्ट हो जाता है। अपने पैंट की जेब से अपना फोन निकल कर अयान पहले सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ से कोई फोन नहीं उठता, तो उसका शक टेकिन में बदल जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो अपने पीछे वाले शख्स को बिना शक हुए अपने कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है। अयाना का पीछा कर रहा शख्स भी अयाना के पीछे पीछे ही बड़ी सावधानी से साइको तरह चल रहा था। कुछ ही मिनट में अयान गेस्ट रूम के अंदर चला जाता है और रूम का डोर हल्का सा खुला छोड़ देता है और खुद गेस्ट रूम की बालकनी में चला जाता है और बकानी डोर बाहर से लॉक कर देता है और उसके बाद खुद उस बालकनी से अटैच दूसरे रूम की बालकनी में इंटर करता है और फिर उस दूसरे रूम से बाहर निकल फिर वो पहले जिस गेस्ट रूम में आया था उस गेस्ट रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जिस मैक्सी पीछे पीछे ही वो शख्स गया था जो उसका पीछा कर रहा था। अयान का पीछा करने वाला शख्स अयान के उस रूम के अंदर जाने के ठीक 5 मिनट बाद उस रूम के अंदर धीरे से एंटर करता है। रूम के अंदर एंटर करने के बाद वो रूम के चारों तरफ देखता है तो उसको उस रूम में कोई नहीं दिखता, तो वो खुद से ही कहता है, ये पिद्दी सा बच्चा कहाँ चला गया, इसने तो नाक में दम करके रखा है तो बस 5 साल का पर है। बाद चालक रूम में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है बाथरूम में होगा। वो शख्स बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी बीच में ही रुक जाता है और फिर अपने पॉकेट से एक कांच की दवाई की बोतल निकलता है, जिसमें व्हाइट कलर की पाउडर थी। उस पाउडर को वो बड़े ही सावधानी से सफेद रुमाल पर स्प्रेड करता है और फिर उस रुमाल को फोल्ड करके अपने हाथ में रखता है और उस बोतल को फर्ज अपनी जेब में रखता है और डेविल स्माइल करके खुद से ही कहता है, अब देखता हूँ वो पिद्दी सा बच्चा कैसे बचता है, आज तो इसको किसी भी हाल में मैं पकड़ कर ही रहूंगा और फिर इसको पकड़ने के लिए जो इनाम बॉस में रखा है वो मेरा। अयान को पकड़ने के बदले जो इनाम मिलने वाला था उसके बदले सोचते ही उस शख्स के यानी कि अयान को किडनैप करने वाले शख्स के चेहरे पर न नया करने वाली मुस्कान थी। किडनैपर जल्दी ही अपने ख्याल से बाहर आकर अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ता है। वो बाथरूम को डोर ओपन करके जैसे ही बाथरूम के अंदर एंटर करता है, वैसे ही उसके पीछे सर पर बारी से चीज से वार होता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और अपने आप उसका हाथ उसके सर पर चला जाता है, जहां से पानी की तरह खून बह रहा था। जिसे देखकर वो जल्दी ही पीछे मुड़ता है तो सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि उसके चेहरे पर बेहोशी की दवाई स्प्रे की जाती है, जिससे वो वही बाथरूम के डोर पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। जिस शख्स ने उस किडनैपर को बेहोश किया था वो शख्स उस
किडनैपर के जेब से उसका मोबाइल निकलकर उसमें से मैसेज लिस्ट चेक करता है। जैसे ही वो शख्स मैसेज पढ़ता है वैसे ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। को किसी डेविल से कम नहीं थी। वो शख्स इस फोन से किसी को कुछ लिखकर मैसेज सेंड करता है और उसके बाद उस फोन को नीचे फर्श पर फेंक देता है, जिससे उस फोन के दो टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ नीचे हॉल में अयान और अयाना के मॉम डैड को खुर्ची पर राशियों से बांधा गया था। चारों ही स्मोकिंग गैस की वजह से इस वक्त बेहोश थे। वहीं उनके सामने फाइव लोग जो कि सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटे हुए थे, उनकी बस आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें उन चार लोगों के लिए बेपनाह नफरत और जान से मारने का इरादा साफ देखा जा सकता था। उन पांचों में जो लीडर था वो इन चारों से कहता है, रोकी का मैसेज आया है, उसने उस बच्चे को उठा लिया है, उसने उसका काम कर लिया, अब हमारी बारी। बाहर जो भी गर्द थे सबको ठिकाना लगाया है और इस मैंशन में जो भी नौकर थे सब ठिकाने लग गए हैं, तो अब इन चारों को इनके असली जगह पर पहुंचने का टाइम आ गया है। पर अभी ये जगह और ये टाइम सही नहीं है, तो जल्दी ही इन चारों को ये से अपने अड्डे पर शिफ्ट करो, वहां पर कुछ ही समय में बॉस आ जाएगा। सीक्रेट बेस। नवीन आहूजा, उसकी वाइफ दिया आहूजा और नवीन आहूजा का फ्रेंड यानी कि कबीर सिंघानिया और उसकी वाइफ दिया सिंघानिया इन चारों को एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बांधा था। चारों अभी भी बेहोश थे। वही उस अंधेरे कमरे के बाहर टू लोग पहरा दे रहे थे और उसी कमरे के कुछ दूरी पर बने एक कमरे के अंदर पांच नकाब पोश बैठे थे। जिन लोगों ने इन चारों को बेहोश करके इस जगह पर लाया था वो पांच जन किसी के आने का वेट कर रहे थे। उन पांच में से एक जन कहता है, बॉस और कितनी देर तक हम इसे ये पर हाथ रखकर बैठने वाले हैं? शिकार हमारे सामने है और हम ये हाथ और हाथ रखकर बैठे हैं। दूसरा नकाबपोश पहले वाले की बात पर हा में हा मिलते हुए कहता है, हा बॉस वो चारों हमारे सामने है पर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्या आपको पता है उस कबीर सिंघानिया और नवीन आहूजा की वजह से हम इधर उधर दर दर के ठोकर खा रहे हैं? उन दोनों ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा हम लोग एक वक्त पर पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर रहे थे, हमारे ऊपर या हमारे खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी, पर उन दोनों को वजह से हम ऐसे मुंह छुपा कर घूम रहे हैं। चार मुल्कों की पुलिस फोर्स हम पकड़ने के लिए हमारे पीछे घूम रही है और हम इस छोटे से बेस पर मुंह छुपके बैठे हैं। बॉस जो कब से शांति से उन दोनों की बातें सुन रहा था वो जोर से अपना हाथ अपने सामने रखे हुए टेबल पर मरता है, जिससे उस लकड़ी से बने हुए टेबल पर क्रैक पड़ जाता है। वही बॉस का गुस्सा देखकर अभी जो बोल रहे थे वो दोनों और उनके बाकी के दो साथी डर के मारे शांत हो जाते हैं। वही बॉस अपना गुस्सा थूक कर उन चारों को तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम चारों को क्या लगता मैं इतने समय से शांत हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन नहीं करता उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दू। उन दोनों खुफिया एजेंट्स की वेजेस हमारा सारा माल जब्त हो गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारे ऊपर न जाने कितने कैस लगे हैं और ऊपर से हमारे पूछे पुलिस कुत्तों की तरह पड़ी है, फिर भी मैं अब तक इतना शांत हूँ, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा ना? और वैसे भी तुम चारों को पता नहीं क्या हम लोगों को उन दोनों और उनकी फैमिली को पकड़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? वो तो हमारा आज वक्त अच्छा था और ऊपर से भगवान आज हमारे साथ था, जिस वजह से आज हम लोगों ने उन दोनों को बिना किसी रुकावट के पकड़ लिया है। इतना कहकर बॉस कुछ देर के लिए रुकता है और एक लंबी सांस भरकर आगे कहता है, बस 2 घंटे इंतजार करो, उसके बाद तुम लोगों को उन चारों के साथ जो करना है वो कर लो। बॉस की बात सुनकर उन चारों में से एक कहता है, बॉस हम आपकी बात समझ रहे हैं और वैसे भी हमने इतना इंतजार किया है तो 2 घंटे और सही, उसके बाद तो उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दूसरी तरफ आहूजा मैंशन। किडनैपर को बेहोश करके उसके फोन से किसी को मैसेज करके अयाना अपना हाथ झाड़कर उस किडनैपर को एक लात मारकर अपने से कुछ दूरी पर खड़े अयान की तरफ देखकर आई विंक करती है। उसी के साथ उसके चेहरे पर एक खतरनाक डेविल स्माइल थी।
अयान जान उसको ऐसा करता देखता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अयाना के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, डॉल आप ये पर कैसे और आपको कैसे पता चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अयान की बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखती है और कहती है, आयु आप मुझे रूम छोड़कर चले गए, उसके बाद मुझे प्यास लगी, रूम में रखा पानी का जग खाली था तो मैं पानी लाने के लिए नीचे जा रही थी, तभी मुझे कॉरिडोर में किसी के होने का एहसास हुआ और आप तो जानते ही है ना मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे ये गंदा आदमी आपका पीछा करता हुआ दिखा, तो फिर क्या मैंने छुपकर इसका पीछा किया और जब ये आपके पीछे गेस्ट रूम के अंदर पहुंच गया और आपको ये क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश करने वाला था तो मैंने इसी के गेम इस पर इस्तेमाल किया। ये कहकर अयाना अयान की तरफ अपनी छाती फुलाकर अपनी तारीफ पाने के लिए अपनी छोटी सी प्यारी सी कलियाला झपका देती है। उसको ऐसा करते देख अयान अपना सर ना मैं हिलाता है और अयाना का हाथ पकड़कर नीचे जाने के लिए निकलता है। वही दूसरी तरफ सिंघानिया महल, इस वक्त आधी रात में सिंघानिया महल में मातम पसरा हुआ था। सिंघानिया महल के हाल में इस वक्त तेजवीर सिंघानिया किसी राह की तरह सिंगल सोफे पर बैठा था और उसके आगे उसके दो भाई और उनकी दो पत्नियां किसी अपराधी की तरह अपना सर झुका कर बैठी थी। इस वक्त तेजवीर सिंघानिया बेहद गुस्से में था, गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। तेजवीर सिंघानिया अपने गुस्से से लाल हुई आंखों से अपने सामने सर झुका कर खड़े चार लोगों को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, तुम चारों को मैंने क्या कहा था करने को, तुम चारों से इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, ऊपर से तुम लोगों ने सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया। और वो बात क्या काम थी कि तुम चारों की लपरवाही की वजह से तुम लोगों को पता है मेरे कितने आदमी मारे गए हैं। तेजवीर सिंघानिया अपना गुस्सा उन चारों पर निकल रहा था और वो चारों से झुकाकर बिना कुछ कहे बस उसका गुस्सा झेल रहे थे। नलिनी और मीनाक्षी के चेहरे पर इस वक्त न बता पाने वाली नफरत और गुस्सा था, पर दोनों ने ही उसे बड़े आसानी से छुपाया था। मीनाक्षी अपने मन में कहती है, दिया सिंघानिया ये सब तुम्हारे बाजे से हुआ है, मैं अच्छे तरह से जानती हूँ तुमने ही कुछ ना कुछ किया है जिसके वजह से हमारा प्लान फेल हुआ है और अब हम इस बूढ़े का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है इस बूढ़े को यही गला घोट दूं, पर नहीं मैं नहीं कर सकती, ना अभी तो नहीं कर सकती। एक ये सारी सिंघानिया परिवार की जायदाद मेरे नाम पर हो जाए फिर मैं पहले इस बूढ़े को इसके असली जगह पर पहुंचा दूंगी, पर उससे पहले दिया तुम अब मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना जिससे तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। वही मीनाक्षी के पास ही खड़ी नलिनी मीनाक्षी की चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन अच्छी तरह से देख रही थी, जिसे देखकर वो समझ रही थी कि मीनाक्षी जरूर उस दिया पर गुस्सा है और वो अब वो कुछ ऐसा करने वाली है जिस दिया को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर ना बया करने वाली मुस्कान खिल जाती है। दूसरी तरफ अयाना और अयान जब नीचे हॉल में आते हैं तो उनको हॉल सारा अस्त व्यस्त दिखता है। हॉल का हल समझकर दोनों को ही यह क्या हुआ इस बात का अंदाजा लग गया था। अयाना और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ कहते हैं। दोनों ही इस वक्त कोई 5 साल के छोटे से बच्चे नहीं बल्कि बड़े ही समझदार और मैच्योर लग रहे थे। अयाना और अयान दोनों ही अयाना मेंशन के बाहर अपना कदम रखते हैं तो उनको मेंशन के बाहर बॉडीगार्ड की लाशें दिखती है, जिसे देखकर दोनों की ही अनेक सर्द हो जाती है और दोनों ही अपने कदम आहूजा मेंशन के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनको खून के दबे और बॉडीगार्ड की लाशें दिखाई देती है। कोई छोटा सा बच्चा ये सब देखता तो डर के मारे वही बेहोश हो जाता, पर अयान और अयाना दोनों ही बिना डरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आहूजा मेंशन के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर कोई इकोरेशन नहीं थे, दोनों के चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। वैसे अयान तो गणेशा ही बिना किसी एक्सप्रेशन के सबसे दूरी बनाकर ही रहता था, पर बोली बाली शी चूलबुली सी 5 साल की अयाना आज कुछ और ही लग रही थी। जहां उसके चेहरे पर हर पल मुस्कान रहती थी और कहा आज उसके
चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसका चेहरा सर्द था और उसके आसपास का ओरा भी बदल गया था। अयाना और अयान जब आहूजा मेंशन के गेट के बाहर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है जो कि देखने से ही बेहद महंगी लग रही थी। दोनों ही बिना कुछ बोले करके पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों के बैठते ही वो कार हवा से बातें करते हुए वहां से धूल उड़ते हुए निकल जाती है। उस कार के जाते ही आहूजा मेंशन के आगे कुछ ही दूरी पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक काला साया बाहर आता है और अपने जान में लगाए ब्लूटूथ में से किसी को कुछ बताता है और फिर खुद बाइक पर अयाना और अयान जिस कार में बैठ कर गए थे उस कार का पीछा करने लगता है। वही दूसरी तरफ सीक्रेट बेस पर अंदर कमरे में जहां पर अयान और अयाना के मॉम डैड को बांधा गया था, इस रूम में कुछ हलचल होने लगती है। उस रूम मैं एक हल्की सी पीले बाल की रोशनी थी जिससे बस उन चारों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और उन लोगों के आसपास कुछ एरिया। चारों ही धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। चारों ही अपने आंखें खोलते ही खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। फिर अपने ऐसा पास देखते गई तो वो चारों ही एक दूसरे को देखकर राहत की स्माइल लेते हैं और फिर खुद को बांधा हुआ और एक करके मैं कैद पाकर उन चारों को ही बात की गंभीरता और वो चारों किडनैप हुए हैं। पर उन चारों को ये पता नहीं था कि इन सबके पीछे कौन है, तो वो चारों ही बिना कोई शोर किए एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर एक दूसरे की राशियां निकलने की कोशिश करते हैं। पर सबके हाथ पैर बंधे होने के कारण उनको रस्सियां निकलने में मुश्किल हो रही थी। नवीन आहूजा को खुद से कुछ दूरी पर एक कटा हुआ कांच का टुकड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। पर वो उस कांच तक पहुंच पाता या किसी को बता पाता उससे पहले ही उस कमरे के बाहर किसी की कदमों की आहट होती है जिस सुनकर चारों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करके चारों ही अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं। सीक्रेट बेस। नवीन आहूजा, उसकी वाइफ दिया आहूजा और नवीन आहूजा का फ्रेंड यानी कि कबीर सिंघानिया और उसकी वाइफ दिया सिंघानिया इन चारों को एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बांधा था। चारों अभी भी बेहोश थे। वही उस अंधेरे कमरे के बाहर टू लोग पहरा दे रहे थे और उसी कमरे के कुछ दूरी पर बने एक कमरे के अंदर पांच नकाब पोश बैठे थे। जिन लोगों ने इन चारों को बेहोश करके इस जगह पर लाया था वो पांच जन किसी के आने का वेट कर रहे थे। उन पांच में से एक जन कहता है, बॉस और कितनी देर तक हम इसे ये पर हाथ रखकर बैठने वाले है। शिकार हमारे सामने है और हम ये हाथ और हाथ रखकर बैठे है। दूसरा नकाबपोश पहले वाले की बात पर हाँ मैं हाँ मिलते हुए कहता है, हाँ बॉस वो चारों हमारे सामने है पर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्या आपको पता है उस कबीर सिंघानिया और नवीन आहूजा की वजह से हम इधर उधर दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उन दोनों ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा हम लोग एक वक्त पर पूरे अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर रहे थे। हमारे ऊपर या हमारे खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी पर उन दोनों को वजह से हम इसे मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। चार मुल्कों की पुलिस फोर्स हम पकड़ने के लिए हमारे पीछे घूम रही है और हम इस छोटे से बेस पर मुंह चुप के बैठे हैं। बॉस जो कब से शांति से उन दोनों की बातें सुन रहा था वो जोर से अपना हाथ अपने सामने रखे हुए टेबल पर मारता है जिससे उस लकड़ी से बने हुए टेबल पर क्रैक पड़ जाता है। वही बॉस का गुस्सा देखकर अभी जो बोल रहे थे वो दोनों और उनके बाकी के दो साथी डर के मारे शांत हो जाते हैं। वही बॉस अपना गुस्सा थूककर उन चारों को तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम चारों को क्या लगता मैं इतने समय से शांत हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन नहीं करता उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दू। उन दोनों खुफिया एजेंट्स की वेजेस, हमारा सारा माल जब्त हो गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारे ऊपर न जाने कितने कैस लगे हैं और ऊपर से हमारे पूछे पुलिस कूतों की तरह पड़ी है। फिर भी मैं अब तक इतना शांत हूँ, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा ना? और वैसे भी तुम चारों को पता नहीं क्या हम लोगों को उन दोनों और
उनकी फैमिली को पकड़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, वो तो हमारा आज वक्त अच्छा था और ऊपर से भगवान आज हमारे साथ था, जिस वजह से आज हम लोगों ने उन दोनों को बिना किसी रुकावट के पकड़ लिया है। इतना कहकर बॉस कुछ देर के लिए रुकता है और एक लंबी सांस भरकर आगे कहता है, बस 2 घंटे इंतजार करो, उसके बाद तुम लोगों को उन चारों के साथ जो करना है वो कर लो। बॉस की बात सुनकर उन चारों में से एक कहता है, बॉस हम आपकी बात समझ रहे हैं और वैसे भी हमने इतना इंतजार किया है तो 2 घंटे और सही, उसके बाद तो उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दूसरी तरफ आहूजा मेंशन किडनैपर को बेहोश करके उसके फोन से किसी को मैसेज करके अयाना अपना हाथ झाड़कर उस किडनैपर को एक लात मारकर अपने से कुछ दूरी पर खड़े अयान की तरफ देखकर आई विंक करती है। उसी के साथ उसके चेहरे पर एक खतरनाक डेविल स्माइल थी। अयान जान उसको ऐसा करता देखता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अयाना के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, डॉल आप ये पर कैसे और आपको कैसे पता चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अयान की बात सुनकर अयाना उसकी तरफ देखती है और कहती है, आयु आप मुझे रूम छोड़कर चले गए, उसके बाद मुझे प्यास लगी, रूम में रखा पानी का जग खाली था तो मैं पानी लाने के लिए नीचे जा रही थी, तभी मुझे कॉरिडोर में किसी के होने का एहसास हुआ और आप तो जानते ही हैं ना मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे ये गंदा आदमी आपका पीछा करता हुआ दिखा, तो फिर क्या मैंने छुपकर इसका पीछा किया और जब ये आपके पीछे गेस्ट रूम के अंदर पहुंच गया और आपको ये क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश करने वाला था तो मैंने इसी के गेम इस पर इस्तेमाल किया। ये कहकर अयाना अयान की तरफ अपनी छाती फुलाकर अपनी तारीफ पाने के लिए अपनी छोटी सी प्यारी सी कलियाला झपका देती है। उसको ऐसा करते देख अयान अपना सर ना में हिलाता है और अयाना का हाथ पकड़कर नीचे जाने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया महल, इस वक्त आधी रात में सिंघानिया महल में मातम पसरा हुआ था। सिंघानिया महल के हाल में इस वक्त तेजवीर सिंघानिया किसी राह की तरह सिंगल सोफे पर बैठा था और उसके आगे उसके 2 भाई और उनकी 2 पत्नियां किसी अपराधी की तरह अपना सर झुकाकर बैठी थी। इस वक्त तेजवीर सिंघानिया बेहद गुस्से में था, गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। तेजवीर सिंघानिया अपने गुस्से से लाल हुई आंखों से अपने सामने सर झुकाकर खड़े 4 लोगों को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, तुम चारों को मैंने क्या कहा था करने को, तुम चारों से इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, ऊपर से तुम लोगों ने सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया। और वो बात क्या काम थी कि तुम चारों की लपरवाही की वजह से तुम लोगों को पता है मेरे कितने आदमी मारे गए हैं। तेजवीर सिंघानिया अपना गुस्सा उन चारों पर निकल रहा था और वो चारों से झुकाकर बिना कुछ कहे बस उसका गुस्सा झेल रहे थे। नलिनी और मीनाक्षी के चेहरे पर इस वक्त न बता पाने वाली नफरत और गुस्सा था, पर दोनों ने ही उसे बड़े आसानी से छुपाया था। मीनाक्षी अपने मन में कहती है, दिया सिंघानिया ये सब तुम्हारे बाजे से हुआ है, मैं अच्छे तरह से जानती हूँ तुमने ही कुछ न कुछ किया है जिसके वजह से हमारा प्लान फेल हुआ है और अब हम इस बूढ़े का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है इस बूढ़े को यही गला घोट दूं, पर नहीं, मैं नहीं कर सकती, ना अभी तो नहीं कर सकती। एक ये सारी सिंघानिया परिवार की जायदाद मेरे नाम पर हो जाए, फिर मैं पहले इस बूढ़े को इसके असली जगह पर पहुंचा दूंगी, पर उससे पहले दिया तुम अब मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना, जिससे तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। वही मीनाक्षी के पास ही खड़ी नलिनी मीनाक्षी की चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन अच्छे तरह से देख रही थी, जिसे देखकर वो समझ रही थी कि मीनाक्षी जरूर उस दिया पर गुस्सा है और वो अब वो कुछ ऐसा करने वाली है जिस दिया को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर ना बया करने वाली मुस्कान खिल जाती है। दूसरी तरफ अयाना और अयान जब नीचे हॉल में आते हैं तो उनको हॉल सारा अस्त व्यस्त दिखता है। हॉल का हल समझकर दोनों को ही यह क्या हुआ इस बात का अंदाजा लग गया था। अयाना और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ कहते हैं।
दोनों ही इस वक्त कोई 5 साल के छोटे से बच्चे नहीं बल्कि बड़े ही समझदार और मैच्योर लग रहे थे। अयाना और अयान दोनों ही अयाना मेंशन के बाहर अपना कदम रखते हैं तो उनको मेंशन के बाहर बॉडीगार्ड की लाशें दिखती है, जिसे देखकर दोनों की ही अनेक सर्द हो जाती है और दोनों ही अपने कदम आहूजा मेंशन के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उनको खून के दबे और बॉडीगार्ड की लाशें दिखाई देती है। कोई छोटा सा बच्चा ये सब देखता तो डर के मारे वही बेहोश हो जाता, पर अयान और अयाना दोनों ही बिना डरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आहूजा मेंशन के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर कोई इकोरेशन नहीं थे, दोनों के चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। वैसे अयान तो गणेशा ही बिना किसी एक्सप्रेशन के सबसे दूरी बनाकर ही रहता था, पर बोली बाली शी चुलबुली सी 5 साल की अयाना आज कुछ और ही लग रही थी। जहां उसके चेहरे पर हर पल मुस्कान रहती थी और कहा आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसका चेहरा सर्द था और उसके आसपास का ओरा भी बदल गया था। अयाना और अयान जब आहूजा मेंशन के गेट के बाहर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है, जो कि देखने से ही बेहद महंगी लग रही थी। दोनों ही बिना कुछ बोले करके पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों के बैठते ही वो कार हवा से बातें करते हुए वहां से धूल उड़ते हुए निकल जाती है। उस कार के जाते ही आहूजा मेंशन के आगे कुछ ही दूरी पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक कला साया बाहर आता है और अपने जान में लगाए ब्लूटूथ में से किसी को कुछ बताता है और फिर खुद बाइक पर अयाना और अयान जिस कार में बैठ कर गए थे उस कार का पीछा करने लगता है। वही दूसरी तरफ सीक्रेट बेस पर अंदर कमरे में जहां पर अयान और अयाना के मॉम डैड को बांधा गया था, इस रूम में कुछ हलचल होने लगती है। उस रूम में एक हल्की सी पीले बाल की रोशनी थी जिससे बस उन चारों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और उन लोगों के आसपास कुछ एरिया। चारों ही धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। चारों ही अपने आंखें खोलते ही खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। फिर अपने ऐसा पास देखते गई तो वो चारों ही एक दूसरे को देखकर राहत की स्माइल लेते हैं और फिर खुद को बांधा हुआ और एक करके मैं कैद पाकर उन चारों को ही बात की गंभीरता और वो चारों किडनैप हुए हैं। पर उन चारों को ये पता नहीं था कि इन सबके पीछे कौन है, तो वो चारों ही बिना कोई शोर किए एक दूसरे की ओर देखकर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर एक दूसरे की राशियां निकलने की कोशिश करते हैं, पर सबके हाथ पैर बंधे होने के कारण उनको रस्सियां निकलने में मुश्किल हो रही थी। नवीन आहूजा को खुद से कुछ दूरी पर एक कटा हुआ कांच का टुकड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर वो उस कांच तक पहुंच पाता या किसी को बता पाता उससे पहले ही उस कमरे के बाहर किसी की कदमों की आहट होती है, जिस सुनकर चारों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करके चारों ही अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक करने लगते हैं। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ इन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।